Hey guys, welcome to Vardhan Mittal YouTube channel. Guys, today we are going to talk about ANTHE 2022, which is Akash National Talent Hunt Exam. Let's get started. So guys, यहाँ पे मेरे पास आकाश का एक ब्राउजर है जो कि आकाश के डाउनलोड सेक्शन से मैंने डाउनलोड किया है और मैं ट्राई करूँगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँ ताकि आप भी इसको एक बार देख सकें. ठीक है, तो इस वीडियो में मैं ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर दूंगा आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम के बारे में कि आकाश से क्या क्या आकाश मतलब एंथी लिखने से क्या क्या फायदे होते हैं और इससे कुछ टॉपर्स बैच भी मिलते हैं जो कि काफी बच्चों को नहीं पता होता, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा. और इस बार ये एग्जाम पहली बार ये फ्री कंडक्ट कर रहे हैं, तो उससे आपको लिखने से मतलब कोई आप लिख ही सकते हो, ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा और नासा ट्रिप जो कि इन्होंने पिछले साल भी दिए थे, बच्चे 5 बजे सेलेक्ट किए थे, तो उसके बारे में भी सब कुछ बताऊंगा. तो ऑब्वियसली मतलब इस वीडियो में सब कुछ कवर कर दूंगा मैं. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है एंथी 2021 में ओवरऑल 12 लाख बच्चे ने एग्जाम लिखा था और मतलब रजिस्टर किया था एंथी के लिए. ठीक है, तो और ये नासा ट्रिप के विनर है, तो ये 5 बच्चे हैं जिनकी नासा ट्रिप में रैंक आई थी, मतलब उनको सिलेक्ट किया गया था और इनका ऑल एक्सपेंस उन्होंने पेड आकाश वालों ने वो उनको नासा में लेके गए थे. ठीक है, तो ये बच्चे हैं, इनकी शक्ल ब्लर कर रखी है. तो आगे बढ़ते हैं, तो ये सब हो गया, ये जेसी चौधरी सर का मैसेज हो गया, तो आगे बढ़ते हैं. हाँ, तो यहाँ पे हम आते हैं एग्जाम डिटेल एट ए ग्लेंस. तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि एग्जाम डेट आपकी ऑनलाइन एग्जाम है आपका नवंबर 5th से लेके 13 तक और ऑफलाइन एग्जाम है आपका 6th एंड 13 नवंबर को जो कि आपका संडे है. एलिजिबिलिटी है क्लास 7 से लेके 12th क्लास के बच्चों का और 12th पास स्टूडेंट भी लिख सकते हैं दिस एग्जाम फॉर ड्रॉपर्स बैच. एंड ऑनलाइन एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन बिटवीन 10 AM एंड 7 PM. मतलब स्टूडेंट कैन गिव दैट एग्जाम एनी टाइम ड्यूरिंग द लॉग इन विंडो. मतलब आप इस विंडो में मतलब 10 to 7 के बीच में किसी भी 1 घंटे ये एग्जाम लिख सकते हो क्योंकि टेस्ट 1 घंटे का है. अब ऑफलाइन एग्जाम टाइमिंग है आपकी मॉर्निंग 10:30 to 11:30 AM, ये आपका फर्स्ट स्लॉट है और इवनिंग एग्जाम आपका होगा 4 to 5 PM. ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एग्जाम फी पहली बार जैसे कि मैंने आपको बताया फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो अगर आप ये एग्जाम लिखते हो तो आपको कोई नुकसान ऑब्वियसली नहीं होने वाला है और आपका फायदा ही फायदा होगा. अगर आप मान लो आपकी अच्छी रैंक आ गई तो आपको स्कॉलरशिप में लेके कैश अवार्ड मिल सकता है या फिर आप प्रोबेबली एक मेंबर बन जाओ नासा ट्रिप जाने वाले के. और क्या बोलते हैं, अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आपको ऑब्वियसली अपनी रैंक पता लगेगी और पता लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो और ऑल ओवर इंडिया और आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो. तो अब यहाँ पे लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में इन्होंने दे रखा है, लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग दी ड्यूली फिल्ड इन एंथे रजिस्ट्रेशन फॉर्म बाय द पोस्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस. ओके, तो ये बोल रहे हैं कि फॉर ओके अगर आप ये एग्जाम का जो फॉर्म है एंथे का, ये आप उनके नियरेस्ट ब्रांच में जाके दे सकते हो या फिर आप ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हो एग्जाम का 3 days बिफोर द डेट ऑफ एग्जाम एंड फॉर ऑफलाइन एग्जाम 7 days बिफोर द डेट ऑफ एग्जाम. ठीक है, डेट ऑफ डिक्लेरेशन रिजल्ट डिक्लेरेशन तो ये है 27 नवंबर 2022 विच इज संडे फॉर क्लास 10th से लेके 12th क्लास और 12th पास स्टूडेंट का और 29 नवंबर 2022 ट्यूसडे जिस दिन है और ये 7th से लेके 9th क्लास का रिजल्ट इस दिन आएगा. रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन आवर वेबसाइट, मतलब आकाश की वेबसाइट. ठीक है, तो ये वेबसाइट दे रखी है इन्होंने, इस पे आपका रिजल्ट आएगा. अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस की. तो ये सिलेबस और एग्जाम पैटर्न दे रखा है 7th से लेके 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए. तो ज्यादातर ये एग्जाम 10th क्लास के बच्चे लिखते हैं और 10th क्लास का अगले पेज पे है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सबके सेम रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस सबके 35 ही आएंगे, टोटल मार्क्स सबके 90 ही आएंगे और ड्यूरेशन 1 आवर ही होगी और नेगेटिव मार्किंग कोई भी क्लास के लिए नहीं है. ठीक है, और 35 MCQ होंगे और जैसे कि मैंने बोला कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस सब क्लास के लिए सेम रहेंगे, तो पैटर्न ये थोड़ा चेंज होगा. अगर आप 10th में इंजीनियरिंग के लिए है तो आपको बायो नहीं आएगा, तो आई थिंक उसमें 11 क्वेश्चन या फिर 12 क्वेश्चन ऐसा कुछ है इन मैथमेटिक्स एंड आपका बायोलॉजी मतलब मेडिकल वाले हैं तो उनके लिए 11 क्वेश्चन आई थिंक बायोलॉजी में है. तो ये आपका सिलेबस है फॉर क्लास 7th से लेके 9th क्लास के लिए. तो 7th का सिलेबस ये है, 8th का सिलेबस ये है, 9th का सिलेबस ये है. आप अपनी मतलब वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो. और एग्जाम पैटर्न है एंड सिलेबस फॉर क्लास 10th स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 35, टोटल मार्क्स 90, ड्यूरेशन 1 आवर, नो नेगेटिव मार्किंग जैसा कि मैंने आपको बताया था. और ये आपका मतलब क्या बोलते हैं सिलेबस है फॉर मेडिकल अगर आप 10th क्लास में हो और आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स में 9, केमिस्ट्री में 9, बायोलॉजी में 10 और मेंटल एबिलिटी में 7. मैंने 11 बोला था, सो बाय मिस्टेक आई स्पोक दैट. आई थिंक पिछले साल शायद 11 थे. ठीक है, तो क्लास 10th स्टूडेंट के लिए आपके मैथमेटिक्स में 10 क्वेश्चन आएंगे, मेंटल एबिलिटी में 7 आएंगे. तो गाइज अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, तो फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास
सेवेंथ से लेके टेंथ क्लास के बच्चों के लिए, तो आपका एक सेक्शन आ रहा है मेंटल एबिलिटी। तो मेंटल एबिलिटी के लिए आई थिंक अगर आप मतलब आकाश पहले नहीं गया किसी कोचिंग में पहले नहीं थे, तो आपने ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा आपको पकड़ आपकी स्ट्रांग नहीं होगी। तो आपको ये स्ट्रांग कैसे कर सकते हो, तो मैं उसकी आपको एक टेक्निक बताता हूँ। तो मेंटल एबिलिटी में क्या होता है, आपकी ट्रिक्स होती है काफ़ी सारी, जैसे कि सीरीज है, तो सीरीज के अगर आप क्वेश्चन करने जाओ तो इसमें बेसिकली AMGM या फिर APJP उन सब का कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है। तो जो कि बेसिकली आप सबको नहीं मालूम होता इस स्टेट पे, और क्या बोलते हैं डायरेक्शन टेस्ट, जो कि आप बहुत कॉम्प्लेक्स फील कर सकते हो ड्यूरिंग द एग्जाम, और आप इसमें अपना अच्छा खासा टाइम 7 से 8 मिनट वेस्ट कर सकते हो, जो कि आपको नहीं करना क्योंकि आपके पास ड्यूरेशन 1 आवर ही है। अगर आप एक सेक्शन में ही मतलब 7 से 8 मिनट वेस्ट कर दोगे तो बाकी सेक्शन सफर करेंगे। तो इसलिए आपको मेंटल एबिलिटी फास्ट करनी होगी अपनी, क्योंकि मेंटल एबिलिटी स्कोरिंग होता है और ये इजी भी आता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक्स फॉलो कीजिए। मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है शॉर्ट ट्रिक की, आप वो देखिए, और आई डेफिनेटली बिलीव आपको उससे बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि जैसे कि पिछले साल भी बच्चों ने बताया कि शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक से आपके हेल्पफुल हुआ, और काफी बच्चों ने वो प्लेलिस्ट फॉलो की, तो आप भी कर सकते हैं। और मतलब मैंने सब चीज बहुत डिटेल में बताई है, मिरर एंड वाटर इमेजेस मैंने कवर किया है, पजल कवर किया है, मिसिंग करेक्टर कवर किया है, मैथमेटिकल ऑपरेशन कवर किया है, और डाइस डाइस प्रॉब्लम की मैंने एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताई है, जो आप 10 सेकंड के अंदर जिसके थ्रू क्वेश्चंस कर सकते हो। मिरर एंड वाटर इमेजेस आप 10 सेकंड के अंदर कर सकते हो, तो सोचिए आप कितना टाइम बचाएंगे अपना, और आपकी रैंक ऑब्वियसली बहुत अच्छी आएगी, और उस हिसाब से आपको स्कॉलरशिप बहुत अच्छी मिलेगी। तो दिस इज फॉर क्लास 10th एंड इंजीनियरिंग, जो कि आपने सिलेबस देख लिया होगा। अब बात करते हैं फॉर क्लास 11th एंड 12th, जिसके बच्चे बहुत कम लिखते हैं, और 12th पास के स्टूडेंट मतलब अच्छे लिखते हैं। बेसिकली जितनी आकाश की एंट्री होती है एनटी के थ्रू, वो 12th और 10th में मैक्सिमम होती है, क्योंकि बच्चे मतलब 12th क्लास और 10th वाले ज्यादा लिखते हैं, और फाउंडेशन वाले बच्चे भी काफी लिखते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वही है, ड्यूरेशन वही है, 35 क्वेश्चन, ओके 35 एमसीक्यूज है, फिजिक्स में 11, केमिस्ट्री में 11, बायोलॉजी में 13, और सो मैं यहाँ पे 11 इसमें कंफ्यूज हो गया होगा, ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये आपका एग्जाम पैटर्न है, दिस इज फॉर मेडिकल स्टूडेंट, एंड ये आपका सिलेबस आएगा फॉर 11th क्लास एंड फॉर 12th क्लास, दिस विल बी द सिलेबस, दिस इज फॉर मेडिकल एंड फॉर इंजीनियरिंग, दिस विल बी द सिलेबस एंड दिस विल बी द सिलेबस फॉर क्लास 12th। सो लेट्स मूव टू स्कॉलरशिप क्राइटेरिया, एंड दिस क्राइटेरिया इज फॉर 7 to 9 स्टूडेंट। तो उनके लिए देखिए क्लास सबके लिए सेम होगी, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो बेसिकली मेन स्ट्रक्चर होता है उनको यही होता है, तो आप यही समझ लीजिए, बाकी सारी वीडियो में मैं उसको मतलब उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। तो टेबल 1 आप देख लीजिए, स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन एंथ रैंक टॉप 1000 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, दो क्राइटेरिया में स्कॉलरशिप देते हैं। अगर आप टॉप 1000 रैंक में आ गए तो आपको टेबल 1 के अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, और अगर आप आपकी 1000 के ऊपर AIR आती है, मतलब एंथ रैंक आती है, तो आपको बेस्ड ऑन योर एंथ परसेंटाइल आपको फिर स्कॉलरशिप मिलेगी। तो यहाँ पे एंथ रैंक दे रखी है आपकी 1 to 100 के बीच में आई, तो आपको एक भी रुपया नहीं देना है, और आपकी पूरी फीस फ्री होगी, और आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मतलब क्या बोलते हैं कैश अवार्ड भी मिलेगा। और अगर आपसी 101 से लेके 250 रैंक आती है, तो आपको ट्यूशन फी में 100% वेवर होगा, सब चीज में 100% वेवर होगा, लेकिन आपकी रजिस्ट्रेशन फी चार्जेबल होगी। वैसे ही आपकी 251 टू 500 रैंक आती है, तो 90% वेवर होगा ऑन ट्यूशन फी, एंड रेस्ट ऑल थिंग्स विल बी चार्जेबल, एंड योर टेक्नोलॉजी फी विल ऑल्सो भी 100% वेवर्ड, ओके। तो अब बात करते हैं 501 से 750, तो आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, मैं ऑब्वियसली फालतू में ये सब पढ़ रहा हूँ, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो टेबल 2 की बात करते हैं, तो टेबल 2 में लिखा है बेस्ड ऑन योर एंथ परसेंटाइल स्कोर। तो अगर आपकी 1000 के ऊपर रैंक आती है और आपकी एंथ में परसेंटाइल आती है 70% के ऊपर, तो आपको 60% वेवर होगा ट्यूशन फी पे, और बाकी सब चीज आपको चार्जेबल होगी। और वैसे ही वैसे आपकी ट्यूशन फी पे वेवर कम होता जाता है, जैसे जैसे आपकी एंथ की परसेंटाइल कम आती जाती है। तो एक बार और मैं ब्रीफ में कवर कर देता हूँ, अगर आपको AIR 1000 के बिलो आती है, तो आपको टेबल 1 के अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, और अगर आपकी 1000 के ऊपर आती है, तो बेस्ड ऑन योर एंथ परसेंटाइल आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे नोट पॉइंट कुछ दे रखा है, दिस स्कॉलरशिप आर एप्लीकेबल फॉर फॉलोइंग कोर्सेज, ओके दिस दिस कोर्स अगर आप इसमें लेते हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। तो आप ये कोर्सेज देख सकते हो, इनके ये सारे कोर्सेज हैं फॉर फाउंडेशन स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं दिस इज फॉर दिस इज कैश अवार्ड। तो AIR 1 को मिल रही है 1 lakh rupees एंड 50,000 इफ यू आर टेकिंग DLP कोर्सेज, एंड इफ यू आर टेकिंग क्लासरूम प्रोग्राम विच इज टाइप ए, देन यू विल गेट AIR 1, ओके। देन रैंक 2
वाले को 75,000 मिलेगा और 40,000 अगर यू आर टेकिंग डीएलपी कोर्स। वैसे डीएलपी कोर्स अब कोई लेता नहीं है क्योंकि टॉप 3 AIRs को 100% होता है, तो जनरली वो क्लासरूम प्रोग्राम ले लेते हैं। ठीक है, AIR थर्ड को मिलेगी, नंबर नंबर स्टूडेंट्स है 1, और 50,000 रुपीज़ आपको मिलेंगे, और 30,000 अगर आप डीएलपी लेते हैं। तो ये सब ओवरऑल है, आप देख सकते हैं। और आई थिंक फॉर क्लास 10 स्टूडेंट दिस स्कॉलरशिप विल बी हायर। तो ये क्लास 10th मेडिकल वालों का है क्राइटेरिया, सेम 1-2,000 सेम थिंग है ये पूरा। तो मतलब आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो अगर आप चाहो तो। और हाँ, यहाँ पे आप देखिए बहुत अंतर आ जाता है। अगर आपकी AIR 1 आती है इन 10th क्लास मेडिकल, और तो आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे इफ यू आर टेकिंग क्लासरूम प्रोग्राम। एंड इफ यू आर टेकिंग लॉन्ग टर्म डिजिटल मतलब डीएलपी कोर्सेज डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, देन आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये ऐसा है, आप देख सकते हो। तो बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है इनकी। ठीक है, अब बात करते हैं स्कॉलरशिप क्राइटेरिया फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो सेम वही मेडिकल जैसा है, और आपकी क्या बोलते हैं इंजीनियरिंग के लिए कैश अवार्ड भी ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब ऑलमोस्ट क्या बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो बात करते हैं स्कॉलरशिप क्राइटेरिया फॉर क्लास 11th to 12th। तो यहाँ पे अलग आता है क्राइटेरिया। तो ये टेबल जो है आपकी, ये दो टेबल है, तो ये टेबल थोड़ी अलग है। आपने टॉप 100 AIR स्कोर की तो ही आपको स्कॉलरशिप मतलब अच्छी खासी मिलेगी। बाकी आपके लिए जो, अगर आप बिलो 300 है तो आपको बेस्ड ऑन योर एंथ परसेंटाइल स्कॉलरशिप मिलेगी, जो कि इस प्रकार है। ओके, तो स्कॉलरशिप उनके लिए मतलब कैश अवार्ड उनके लिए कम है, यहाँ पे 1.5 लाख है, जबकि क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए 2 लाख रुपीस है। तो यहाँ पे आई डोंट थिंक, नहीं, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट ज्यादा है नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने अपने टर्म्स एंड कंडीशन बता रखी है, तो आप ही पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने अपने टेस्ट सेंटर्स दे रखे हैं। यहाँ पे अगर आप ऑफलाइन लिखते हो तो ये टेस्ट सेंटर है आपके, गाइडलाइंस फॉर नासा ट्रिप। तो ये आप देख सकते हो, टर्म एंड कंडीशन, मैक्सिमम 5 स्टूडेंट विल बी सिलेक्टेड फॉर एंथ 2022, 2 स्टूडेंट आउट ऑफ द टॉप 100 विल बी रैंडमली चूजन अक्रॉस ऑल क्लासेस एंड स्ट्रीम्स। ओके, द रिमेनिंग 3 स्टूडेंट विल बी चूजन रैंडमली फ्रॉम द अदर रैंक्स। ओके, तो मतलब टॉप 2 जो आएंगे वो 100 100 टॉप 100 में से आएंगे, और जो रिमेनिंग 3 है वो अदर रैंक्स के लिए ये चूज करेंगे। द प्राइस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश और एक्सचेंज्ड इनटू इन एनी अदर फॉर्म। ओके, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा है पूरा, तो आप ही पढ़ सकते हो। द नासा ट्रिप विल बी कंडक्टेड सम टाइम्स बिटवीन द मंथ ऑफ अप्रैल 2023 टू दिसंबर 2023, सब्जेक्ट टू नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रैवल। ओके, हाँ ठीक है। तो ये इंक्लूजन्स दे रखे हैं, आप ये भी पढ़ सकते हो। एक्सक्लूजन्स एंड इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस, ओके, तो आप ये भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने अपने मतलब क्या बोलते हैं एंथ स्कॉलर, नो नो देयर मतलब रैंक्स जिन्होंने मेडिकल में प्रोड्यूस किया वो दे रखे हैं। तो यहाँ पे मृणाल कुटेरी जिन्होंने 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किया था, पता नहीं चेहरे क्यों ब्लर कर रखे हैं इन्होंने, चलिए कोई बात नहीं। तो ये सब कर रहा हूँ तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सब इन्होंने अब मतलब ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो ये आपकी सेंटर्स हैं, कहाँ कहाँ आकाश है नेशनल वाइड, तो मैं इसको एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप जहाँ पे आपका है तो पॉज कर लीजिए अपनी स्टेट पे और ये चेक कर लेना। तो ये यहाँ पे दे रखा है एंथे एंथे हॉल ऑफ फेम, तो यहाँ पे एंथे स्कॉलर दे रखे हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने अपना एंथे आकाश डॉट ए सी डॉट इन, एंड इन्होंने अपना फोन नंबर दे रखा है और स्कैन टू रजिस्टर, तो आप यहाँ पे स्कैन भी कर सकते हो जो कि ब्लर है, तो आप ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ पे हम बंद करते हैं इसको, और मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरी स्लाइड पे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप मॉक टेस्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हो और रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है। हे गाइस, तो मैं यहाँ पे एंथे डॉट आकाश डॉट ए सी डॉट इन डाउनलोड सेक्शन में आ चुका हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ से मैंने एंथे का जो ब्राउचर है वो डाउनलोड किया था। तो यहाँ से आप एंथे का रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, तो मैं एक बार क्लिक करके भी देख लेता हूँ। तो यहाँ पे ये इनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुछ इस तरीके से, ये तो सेम हमने वही डाल रखा है, एक सेकेंड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और इन्होंने क्या सेम डाल रखा है क्या ब्राउचर, तो आई थिंक इन्होंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, इनको ये चीज़ वो करनी चाहिए, रेक्टिफाई करनी चाहिए। डाउनलोड एंथे सैंपल पेपर, तो सैंपल पेपर में दिखा रहे हैं कमिंग सून। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम इनके एग्जाम सेंटर, तो हो गया ये सब हो गया, रिसोर्स सेंटर में क्या है एक बार देख लेते हैं।
एनसीपीटी सॉल्यूशन तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब हाँ, यहाँ पे हम आते हैं एनथे मॉक टेस्ट। तो एनथे मॉक टेस्ट उन्हीं के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है। तो यहाँ पे अपना रोल नंबर एंटर कीजिए, डेट ऑफ बर्थ एंटर कीजिए और यहाँ पे साइन इन कर दीजिए, तो आपका क्या बोलते हैं, आप एनथे मॉक टेस्ट दे पाएंगे। और आई थिंक अब कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए एग्जाम अटेम्प्ट करने में, क्योंकि इन्होंने फ्री कर दिया है। पहले 500 रुपये फी थी, फिर 300 की, फिर 200 की, अब फ्री ही कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम डेट्स ये सब दे रखा है। हाँ, तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है हाउ टू रजिस्टर, तो यहाँ पे लिखा है वेरीफाई मोबाइल नंबर, एंटर योर मोबाइल नंबर टू रिसीव ओटीपी, सबमिट योर डिटेल, फिल दी ऑनलाइन फॉर्म एंड सबमिट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, गेट योर एडमिट कार्ड एंड लॉगिन डिटेल्स। तो ये क्या कह रहे हैं, पहले अपना मोबाइल नंबर जिसमें एक ओटीपी आएगा उसको वेरीफाई कर लीजिए, और फिर अपनी सारी डिटेल्स उस फॉर्म में भर दीजिए, जो कि आपका ओटीपी भरने के बाद एक फॉर्म आएगा, और आपका फिर जब जब आपने फॉर्म भर दिया तो सबमिट पे क्लिक कर दीजिए, तो आपकी सारी डिटेल सबमिट हो जाएगी और आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड आ जाएगा, और आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है, आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो फिर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये वीडियो एंड की तरफ आ चुकी है। तो मैं आपको कुछ चीज हाईलाइट करना चाहूंगा, जैसे कि मैंने एक स्टार्टिंग में बताया था कि आपको आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम मतलब एनथे के थ्रू टॉपर्स बैच में जाने का मौका मिलता है। तो जैसे कि आपने हर कोचिंग में सुना होगा, कोटा फैक्ट्री में बताया गया कि इनके बैचेस होते हैं, 10 बैच, 9 बैच, ऐसे कुछ होते हैं। तो आकाश में वैसा नहीं है, इन्होंने बस अपने 2 बैच बना रखे हैं, एक टॉपर्स बैच है और एक इनका ये नॉर्मल जो क्लासरूम प्रोग्राम के बच्चे होते हैं उनका प्रोग्राम है। तो टॉपर्स बैच में अगर आप चले जाते हो तो आपका बहुत अच्छा होता है, आपको मेहनत बहुत करवाते हैं और आपकी रैंक आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, जो कि मैं आई बटन या फिर क्या बोलते हैं एंड स्क्रीन में दे दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो आप उन टॉपर्स बैच के बारे में जरूर पता कीजिए, और वो सिर्फ टॉप 1000 AIR वालों के लिए ही होता है। अगर आपकी टॉप 1000 में AIR आती है तो आप उसके लिए क्वालिफाई कर जाते हो, और फिर आपका एक एग्जाम होता है, और वो एग्जाम आप अगर क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको वो अपने टॉपर्स बैच में ले लेते हैं। ठीक है, और आपकी पूरी डेडिकेटेड 2 ईयर्स की प्रिपरेशन वो करवाते हैं। आई थिंक 10th क्लास से, 10th से आप 10 क्या बोलते हैं 12th तक कर सकते हो, या फिर 11th से लेके 12th तक कर सकते हो उस बैच में। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। और मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि आप अपनी मेंटल एबिलिटी की प्रिपरेशन मेरी वो जो प्लेलिस्ट है उससे कर सकते हो, और रियली बिलीव कीजिए, मैं मतलब अपना क्या बोलते हैं अपने व्यूज बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ। वो एंथे की जो मैंने जो प्लेलिस्ट बताई है रीजनिंग की, वो इंपॉर्टेंट है, अगर आप करेंगे तो आपको फायदा जरूर होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, ये वीडियो हम एंड कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को।